तो दोस्तों फाइनली हम किले के अंदर आ चुके हैं। और साहिल भाई आपको कुछ बताएंगे किले के बारे में। तो मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये किला बनाया गया था, ये किला एक्चुअली एक गांव है पीछे, जो कि ये इस किले के पीछे पड़ता है, माना जाता है उसका नाम है सुकनगाबाद, जो कि उस टाइम का जो राजा था उन्होंने उस गांव के नाम को देख के इस अपने किले का नाम रखा, जो कि ये 1321 में बनाया गया था गाइस। और मतलब जो इसके राजा का नाम था उसका नाम था गियासुद्दीन सिद्दीकी, जो कि गाइस कहते हैं बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पर्सन थे, मतलब बढ़िया थे जो भी है। और मतलब गाइस हम आपको अब नेक्स्ट ईयर पे उनकी चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे कैसे उनके घर वगैरह थे, कैसी चीज़ें बनवाई थी उन्होंने, कैसे वो रहते थे। और चलो ये गाइस हम आगे चलते हैं। फिर आगे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किले में पहले जब राजा शासन राजों का शासन था पहले, तो मतलब अत्याचार होता था गरीबों पे, तो उनको मतलब मारते थे, उनको अपराध देते थे कि उनको जेल में भी डाल देते थे। यहाँ पे आपको हम कालवास की जेल भी दिखाएंगे, जो कि उनको सजा देते थे जेल में डाल के। और गाइस कहा जाता है जो मतलब ये दिल्ली में जो ये जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली दिल्ली का जो शहर है ना, ये ऐतिहासिक रूप से उन्होंने ही बसाया था सबसे पहले, गियासुद्दीन ने, जो मतलब इस किले का राजा था, कहते हैं दिल्ली को उन्होंने ही बसाया था उस टाइम पे। तो आइए गाइस आते हैं नेक्स्ट लेवल की बात करने पे। और जो कि कहते हैं कि जब वो यहाँ से गए थे, वो 1327 में यहाँ से चले गए थे, और अब उनका था पता कुछ नहीं है गाइस। तो आइए हम आपको नेक्स्ट लोकेशन दिखाते हैं। और गाइस ये आप किला देख रहे हो, जैसा कि इस किले के बारे में आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये जो किला बना हुआ है इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये आप जैसे देख रहे होगे इधर ये अंकल बैठे हैं। तो गाइस कहते हैं जो पत्थर वगैरह जो मतलब मिला के बनाया गया, ये गाइस चूना पत्थर गारा से बनाया गया मिला के। और आज के टाइम पर तो गाइस इन चीज़ों का कोई इस्तेमाल भी नहीं करता, उस टाइम पर देखिए आप कैसे कैसे लोग क्या काम करते थे, राजा पता नहीं कैसे कैसे अत्याचार करता था। ये देखिए आप सामने कैसे बनाया गया, आप तो ये टूट चुका है, पहले बहुत ठीक था जब हम आए थे, पहले हम आ चुके थे तो हमारे पास हमने देखा था। और गाइस कहा जाता है, और गाइस एक चीज और कहा जाती है, ये जो गियासुद्दीन सिद्दीकी है ना, तो इन्होंने जो ये रोड है ना, ये तुगलकाबाद के साइड में एक रोड पड़ता है जिसका नाम है बदरपुर रोड भी कह देते हैं, तुगलकाबाद रोड भी कह देते हैं, ये रोड भी उन्होंने ही बनाया था गाइस। तो आइए हम आपको नेक्स्ट लेवल की कुछ चीज़ें दिखाते हैं। तो गाइस देखिए ये कैसे पहले छोटे 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 घर हुआ करते थे, ये घर थे गाइस छोटे छोटे, तो अब तो ये टूट चुके हैं बस। आज के टाइम पे कोई नहीं बना सकता ऐसी चीज़ें, बना भी रहे तो वो कॉपी है, ओरिजिनल चीज़ें यही हैं जो पुराने के लोग बनाते थे। और गाइस ये हमारे एरिया का सबसे फेमस किला है, हम भी ज़्यादा दूर नहीं रहते। और देखिए इनकी बारीकियाँ आपको कितनी अट्रैक्टिव कर रही होगी, अगर आप इनको आके पास से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों अभी हम आपको आगे वीडियो में गाइस हम जेल भी दिखाते हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, उन पे अत्याचार होता था, वो तो रहेगा। अभी वहाँ पे भी हम जाएंगे, तो अभी हम आपको जेल दिखा देते हैं। गाइस हम आपको कुछ और भी दिखाना चाहेंगे जो कि हमसे पीछे छूट ही आता गाइस, पर फाइनली हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, मतलब अत्याचार होता था गरीबों पे। राजाओं का जब वो बातें नहीं मानते थे तो राजा उन्हें इन्हों में काल कोठरे में बंद कर देता था, उन पे अत्याचार करता था। संभाल के आइएगा, संभाल के। यहाँ पे बहुत थोड़ी ऐसी जगह है, तो हम आपको दिखा रहे हैं।
इसके आप हम आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकते, बट इसे दिखाइए इसे। यहाँ पे लाइटें रखते थे, मतलब जला के, हाँ जी, अंधेरा ना हो। और मतलब आप देखते रहिए, अभी तो हमने आपको दो ही दिखाई हैं, आगे आगे और भी हैं। गाइस वहाँ देखिए, ये हवा तक इतनी लंबी चलती, तो गाइस हम लास्ट तक जाएंगे। इनमें दरवाज़ा भी था, तो आप तोड़ तोड़ दिया है। पहले इनमें लोहे का दरवाज़ा था, गाइस तो एक्चुअली इससे मतलब सोचो कि वो कैसे रहते थे, बेचारों को बहुत अत्याचार होता था। गाइस एक्चुअली क्या है ना, जो मतलब ये किला है ना, ये मतलब इसकी ना मतलब कितने, ये 1331 में बना था और हो गए थे 1327 में, तो इसका मतलब ये 1327 से खंडित पड़ा, और जबकि यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी देखो, कर हम दिया एक था। बार इसको अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए भाई कलाकृतियाँ, देखिए यहाँ पे कहीं निकलने का रास्ता नहीं, खाली एक रास्ता है, ये वाला रास्ता है, बस इसमें से आप निकल सकते हैं। वो भी यहाँ पे ये भी भाई लोहे का दरवाज़ा होता था, जिसके वजह से वो भाग ही नहीं सकता था निकल के। ये देखिए, बहुत छोटी छोटी काल कोठरी हैं, जिसमें हम अंदर नहीं जा सकते हैं, अभी खतरा है क्योंकि इसमें। गाइस हम आपको नेक्स्ट चीज को दिखाना चाहेंगे अब, क्योंकि हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो गाइस हम आपको नेक्स्ट लोकेशन दिखाते हैं। देखो गाइज, हम इसी रोड की बात कर रहे थे आगे कि जो उन्होंने रोड बनवाया था। तो जैसा कि यार अगर आपको कभी आना हो तो ये मेहरोली रोड कहा जाता है इसे, यहाँ पे ये 24 घंटे आना जाना लगा रहता है, और आप ये देख सकते हैं वहाँ तक ये इतना बड़ा किला है, वहाँ से लेके और वहाँ यहाँ तक। पे एक मकबरा भी है जो इसी राजा ने बनवाया था, और ये जो आप देख नेक्स्ट पा रहे हैं। या गाइस, तो आइए गाइस नेक्स्ट वीडियो में आइए, आपको नई लोकेशन दिखाते हैं हम जो इस किले से रिलेटेड। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आपको बहुत बड़ी चोटी दिखाएंगे, जो तुकलकाबाद की सबसे बड़ी चोटी है। तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली, तो आइए गाइस। अभी सुनो भाई, क्या दिखाने वाले हो? ऐसा मुझे तो डर लग रहा। चोटी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम चढ़ जाएंगे ना इसके ऊपर पक्का। हाँ, चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चोटी नहीं थी, तो अभी बनाई गई है, जस्ट न्यू ही बनाई गई है अभी। तो विष्णु भाई हमारे, तो शुरुआत है, तो आपको भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम दिखाएंगे। गाइस हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, इतने मतलब बढ़िया बढ़िया प्लेसेस ला रहे हैं, तो गाइस हमें सपोर्ट करना ना भूलें। प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें, साहिल व्लॉग 186। तो फाइनली गाइस हम ऊपर आ चुके हैं, और अभी हम आपको ऊपर से दिखाएंगे कितना अच्छा लोकेशन है। तो ये गाइस, मेरे तो पैरों में भी दर्द हो रहा इसे चढ़ते चढ़ते। फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस आई एम करंट लोकेशन दिस सबसे ऊंची चोटी इस, ये सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी फेमस है तुगलकाबाद की चोटी। हेलो ब्रो, तो गाइस देख सकते हो आप इस किले को, कितना शानदार कितना प्यारा बनाया गया। और हमारे विष्णु भाई दो लाइन कहेंगे इस किले के बारे में, जो सबसे फेमस है ये चोटी। फेमस बहुत चोटी, मतलब जो ये चोटी है बहुत फेमस है, मतलब इसको दिल्ली में ऐसा कोई कम, बहुत से कम लोग होंगे जो इसके बारे में जानते हैं। और आगे भी किला है, अभी हम आपको आगे भी ले जाएंगे। देखिए एक बार आप दिखा दीजिए सामने, वो देखिए गाइस, ये सेम ही है। किला तो बहुत बड़ा है वैसे, ये छोटे छोटे इन्होंने घर बना दिए हैं, बस्तियाँ बन गई है, तो इस वजह से ये टूट चुका है पूरा, पूरी तरह से पूरा तहस नहस हो चुका है ये। गाइस एक्चुअली क्या है ना, कोई इसका ध्यान नहीं रखता, तो अब आके सरकार ने ध्यान दिया है, तो इसलिए थोड़ा अमेजिंग बनता जा रहा है ये पार्क। पर गाइस कहते हैं ना, भूल भुलैया टाइप एकदम बसा हुआ गाँव, उस टाइप का है गाइस। ये देखिए गाइस, अब हम आपको इन दो तीन जगहों पे लेके जाएंगे। चला जी दोस्तों, देखिए अभी एक कुआं दिखाने जाएंगे हम आपको, एक कुआं भी है यहाँ पे, बट वो ज़्यादा गहरा नहीं है, यहाँ से तो लग रहा है गहरा बट ज़्यादा है नहीं।
बट ये है कि इसमें कोई गिर गया तो निकल तो नहीं पाएगा पॉइंट। हेलो गाइस, तो देखिए एक जगह दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पे ना मतलब अनुमति नहीं है कि अंदर हम जाएं, तो यहाँ पे गार्ड बैठा रखा है। एक बहुत अच्छी जगह थी बट नहीं दिखा पा रहे हैं हम, क्योंकि इधर गार्ड लगा रखे हैं, वो ऊपर जाने नहीं देता है किसी को। तो देखिए गाइस, इस चीज़ें दिखाएंगे आपको हम, थोड़ा पीछे की तरफ से हम दिखाते हैं एक बार आपको। गाइस अंकल मना कर रहे हैं यहाँ पे रुकने से, और जो कि देखिए ये ऊपर जा रहे हैं पर ये मान नहीं रहे, जहाँ इनका एक पैर स्लिप हुआ और ये गए। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें दोस्तों, और भी इंटरेस्टेड वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साहिल व्लॉग्स 186। थैंक यू गाइस।